सुन, इसका पैसा आ गया, आराम से इसे बंजारा हिल लेके जाना है। एड्रेस ये ले, ठीक से देख ले। ठीक है पापा। माल भीगना नहीं चाहिए, इसको ढक देना, बारिश आ सकती है। ठीक है। भंगारवाड़ी में बहुत पानी था कल। बंद फाइल खुलवा के तूने गलती कर दी। वेरी बैड। तुझे सजा दिलवा के रहूंगा राक्षस। उसके लिए पहले मुझे अरेस्ट करना होगा ना। ये जंग खाई पुलिस रिवॉल्वर से तू मुझे मारने की सोच रहा है? अबे ये देख, लेटेस्ट मॉडल, रशियन मेड। ऐसे निशाना लगाओ, लिवर पीछे और बूम। चल बेटा ट्राई कर ले। उठा उठा उठा। ए, क्या कर रहा है इधर? चल निकल यहाँ से। ए, पागल हो गया? गन्नी चेकर, तुझे ये क्या 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 चाहिए? पैसा? हाँ, ये ले ये ले, ये ले। चॉकलेट खाना, चॉकलेट खाना। मुझे मत मार। थैंक यू डॉक्टर। इट्स ओके। कहाँ से है? बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा या झारखंड? विजयवाड़ा से, शुद्ध ब्राह्मण परिवार का हूँ। ब्राह्मण है तू? क्या नाम है? अरे लड़की छेड़ता है। क्या हुआ, कौन है ये? सर, उस दिन कॉलेज के रेप केस में दो आदमियों को पकड़ा था ना, ये आदमी उन दोनों का बॉस है। इससे अपने तरीके से पूछताछ करता हूँ, तुम जा सकते हो। ठीक है सर, चल बैठ जा इधर। नाम क्या है? मेरे सवाल का जवाब दे, नाम क्या है? ए, मेरे बजाय उसकी तरफ क्या घूर रहा है? हट। जगन्नाथ, ध्रुव जगन्नाथ। अब इसे क्यों मारा तुम? इसे मारने के पीछे वजह क्या थी? बंदूक देख के हाथ में खुजली आती है। क्रिमिनल दिख जाए तो कंट्रोल नहीं कर पाता सर। तो क्या सबको मारेगा? हम हर साल रावण को जलाते हैं, जबकि उसने एक बार ही सीता को किडनैप किया था, तो हम उन क्रिमिनल्स को क्यों नहीं मार सकते जो रोज जुर्म करते हैं? ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए यहाँ पुलिस मौजूद है, हम उन्हें अरेस्ट करते हैं और कोर्ट में पेश करते हैं। और ये सब करने में कितना टाइम लग जाता है? 3 महीने या 6 महीने, और कभी कभी 1 साल भी। तो क्या हुआ, इस बीच आप चैन की नींद सो पाते हैं? मैं तो नहीं सो पाता हूँ सर। मैं भी लाला को पकड़ने के लिए कई दिनों तक नहीं सो पाया था। ये देखो, ये सब के सब बड़े हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स हैं। ये केसेस अपने हाथ से टाइप किए, तो क्या इन सबको मौत के घाट उतार दूं? यही करना चाहिए सर। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करेंगे तभी तो धर्म हमारी रक्षा करेगा सर। जन्म से ब्राह्मण लेकिन कर्म से क्षत्रिय हो, मेरी तरह पुलिस वाले बनोगे? कभी नहीं सर। क्यों? आपकी तरह मुझे भी गोली लग गई तो? पता है मेरे दादू क्या कहते हैं? दुनिया में जब तक हो अच्छे कर्म करते रहो, लेकिन उन कर्मों का श्रेय कभी मत लो। महाभारत में अर्जुन को युद्ध करने की सलाह दी थी कृष्ण ने, और इस कलयुग के महाभारत के युद्ध में तुम अर्जुन का अवतार लेकर आए हो। परेशान मत, आज के बाद हम सुकून की नींद सोएंगे और हमारे शहर की भली जनता भी चैन की नींद सो सकेगी। पहले लाला, फिर उस्मान भाई, फिर नरेश पहलवान, एक के बाद एक वांटेड गुंडे मारे जा रहे हैं और पुलिस को इस बात की भनक तक नहीं है। क्या शहर में कोई नई गैंग आई है सर? बताइए सर। हाँ बताइए सर। गैंग का नाम जानते हैं तो वो भी बताइए। यस, शहर में एक नया गैंग सक्रिय हुआ है। गैंग का नाम क्या है सर? अभी उसकी फुल डिटेल्स हमारे पास नहीं है, इस वक्त हम सिर्फ नाम बता सकते हैं। ठीक है सर, प्लीज सिर्फ नाम ही बताइए। डीजे।
जी ये नाम सुना है नहीं तो? ये क्या है? एक घंटे में खाने की डिलीवरी करनी और तुम यहाँ मूर्तियां बन के बैठे हो। जगन्नाथ आएगा तब जाके सब्जी बनेगी। कड़ी चावल भी तभी बनेगा जब जग्गू चावल लेकर आएगा। वो आएगा तभी बिरयानी बनेगी। जगन्नाथ आएगा तभी तड़का लगेगा। उसके आने पर ही चूल्हा जलेगा। हद हो गई, सब के सब उस नालायक के भरोसे बैठे हैं। कोई पूछे खाना क्यों लेट है तो बोलना ट्रैफिक है। तुम्हें कुछ पता है उसका? पता नहीं कहाँ गया। असल में वो तेल लेने गया, अभी तक आया नहीं है। जगन्नाथ पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकिमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् ॐ नमः शिवाय। अरे रुको रुको, ये सब गलत है। क्या कर रहे हो? मंत्र के बजाय माइकल जैक्सन के गीत पर नृत्य कर रहे हो? इससे हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गुरुजी लेट है तो हम क्या करें? घोर अधर्म है। मंदिर की घंटी ना बजे तो मंदिर के पाठ नहीं पढ़ोगे। वैसे इन दिनों क्या नया सीख रहे हो? हमने पुरुषा सूक्त सीखना शुरू किया। ओहो, कौन सा मंत्र है? याद है तो मुझे भी सुनाओ। गलत भी सुनाया तो आपको पता चलेगा क्या? ओम सहस्त्रशीर्षः पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात् सभूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम् पुरुष एवेदगम् सर्वम् यद्भूतं यच्च भव्यम् उता मृत्यत्वशेष्यानहम् यदन्येन तिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जायागोश्च पुरुषः। अगर गुरु ही देरी से आने लगे तो हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा? मैं तो पहुंच गया था, लेकिन जब तुम्हें सही मंत्र उच्चारित करते हुए देखा तो मैं स्तब्ध रह गया। हाँ पिताश्री, बस रास्ते में ही हूँ। बाजार जाना चंबल की घाटी जैसा हो गया है। चंबल में डाकू बंदूक दिखा के लूटते हैं, यहाँ भाजी वाले तिगुना दाम लेके कंगाल करते हैं। पिताश्री, सब्जियाँ खरीदने गया था या उगाने गया था? सब आप ही का दोष है। सवेरे आपने क्या कहा था? क्या कहा था? मैंने कहा पिताजी बिल्ली रास्ता काट गई है, मैं थोड़ी देर रुक जाता। आपने क्या जवाब दिया? जवाब दिया आपने, कहा अंधविश्वास शकुन अपशकुन दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए होते हैं। जैसे ही घर से बाहर निकला टायर पंक्चर हो गया, रास्ते में भीड़ और ट्रैफिक जाम स्वाहा। चावल तैयार हो गए, चूल्हे से उतार दूं? हींग नहीं डाली, सुगंध नहीं आई। ये अंतर जाति विवाह है, इन्होंने हींग के लिए मना किया है। स्वाहा, आज की पीढ़ी प्रेम विवाह करना पसंद करती है। अच्छा है हमारा परिवार अभी तक उससे प्रभावित नहीं हुआ है। हर तीसरी शादी अंतर जातीय विवाह होता है। संस्कार और संस्कृति तो स्वाहा हो गए हैं। अगर बिना हींग के लेमन राइस बनाएंगे तो हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी सीधा करता हूँ। हेलो, हूज दिस? हेलो मैडम, सर है वहाँ? फैमिली की बॉस मैं हूँ, मुझसे बात करो। अति उत्तम। मैडम, बिना हींग का लेमन राइस मतलब बिना किसी चीनी के मिठाई जैसा है, बिल्कुल स्वाहा। आपने एक ब्राह्मण लड़के का परीक्षण करके उसे स्वीकार किया, अब एक ब्राह्मण व्यंजन चखिए और उसे भी ओके कीजिए। पसंद ना आए तो लड़का ले जाइए और राइस लौटवा दीजिए। क्यों? उसे कैसे ले जाऊं? हम लोग ठाकुर हैं और वो ब्राह्मण है, उनके यहाँ घर जमाई बनने का रिवाज नहीं है। पता नहीं मेरी बेटी का वहाँ जाकर क्या होगा। क्या कह रही हैं? लड़के का नाम वेंकट है ना? आप चिंता मुक्त हो जाइए, आपकी सारी चिंताएं स्वाहा। मैं दूल्हे को जानता हूँ, ऐसा घरेलू संस्कारी पति ढूंढ कर नहीं मिलेगा। लाइफ लॉन्ग खुशी और स्वीट कंपनी की गारंटी है। इतना आज्ञाकारी कि आप नौकर को भूल जाएंगे। वैसे हमें दूसरी कास्ट के लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, शादी में मिलेंगे। हमेशा लड़की वालों को कॉन्फिडेंस में रखना चाहिए, कॉन्ट्रोवर्सी बिल्कुल नहीं। इंटर कास्ट मैरिज में मुझे तुम लोगों से ज्यादा एक्सपीरियंस है, समझ गए? बहुत आगे जाएगा ये।
ये लीजिए, आप जल्दी से भोजन तैयार करवाइए, मैं पूजा करके आता हूँ। क्यों चेतन, पूजा कर ली? इसके पास गर्लफ्रेंड को फोन करने का टाइम है लेकिन पूजा करने का टाइम नहीं है। ए कद्दू कहीं के, इतने पानी से सब्जी धोनी है या हम सबको धोना है? ए सुनो, इसको कुएं के पास जाने मत देना। ए अपने काम में ध्यान दे, चल चल चल। शांत रहो, क्रोधित हो गया ना तो भस्म कर दूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नारायण नमः, ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। हेलो, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? साइलेंट मोड पर था। हैदराबाद कब आ रहे हो? एक सेकंड। पिताश्री, क्या है? चिकन पल्ली वाला विवाह कौन सी तिथि को है? इस महीने की 23 तारीख को। शादी 23 को है लेकिन 22 को ही सब चलेंगे। I'll be there on the 23rd of June. क्या कहा उसने? मेरी बात नहीं सुनी उसने। कौओं के लिए प्रसाद बनाकर रखूंगा। शादी के अंदर श्राद्ध का खाना बनाओगे? क्या हमें बचा हुआ भोजन कौओं को नहीं खिलाना चाहिए? ऐसा नहीं किया तो समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कितनी बार समझाऊं तुम्हें? जो काम मीठे बोलों से नहीं हुआ बुलेट से हो जाएगा। उसकी जरूरत नहीं है, एक वार्निंग से काम हो जाएगा। नो मोर वार्निंग्स, ओनली किलिंग्स। किल मतलब हत्या? हिंसा वाले शब्दों का प्रयोग मत कीजिए, कान बज रहे हैं आपके। किलिंग नहीं कहा मैंने, मैंने कहा कुकिंग। कुछ बोध हुआ? कुकिंग यानी भोजन पकाना। कुकिंग मतलब पकाना। कहाँ मिलना है? टिल्लू मर्चेंट कभी कंस्ट्रक्शन के बिजनेस का बादशाह हुआ करता था। रियल एस्टेट के डाउन होते ही ड्रग माफिया से हाथ मिला लिया। उसके मेन टारगेट है हाई स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स। ओवरडोज देके लड़कियों की पॉर्न फिल्म शूट करता है। इतना ही नहीं, उनके पेरेंट्स को वीडियोस दिखा के ब्लैकमेल करता है। पूरी की पूरी नस्ल को बर्बाद कर रहा है। उसके खिलाफ एक्शन लेने वाले ऑफिसर को मार दिया जाता है। उसके एजेंट्स को उड़ाएंगे तो वो खुद ब खुद वीक होता जाएगा। एक एक बल्ब स्विच ऑफ करूंगा तब तक वो कई जिंदगियां बर्बाद कर चुका होगा। हम सीधा मेन स्विच ऑफ करेंगे। मेन स्विच कौन? टिल्लू मर्चेंट। From Bangalore. हाँ, साइट पर पहुंच गए। क्या कहा? 7th फ्लोर पर। ये कौन सा फ्लोर है? सर मैंने गिना नहीं। क्या बढ़िया टीम दी है, फ्लोर तक काउंट नहीं कर पाते हैं। वैसे यहां तो सिर्फ 4 लोग नजर आ रहे हैं। हाँ आ गया 5वां। कहाँ गायब हो गए थे? सुसु करने गए थे क्या? चलो बैठ जाओ। नाम पूछना है? तुम में से टिल्लू मर्चेंट कौन है बताओ। मैं हूँ टिल्लू मर्चेंट। ये 7th फ्लोर ही है और हम 5 लोग हैं। कैंडिडेट कंफर्म हो गया, कॉल करता हूँ। तू आर्किटेक्ट नहीं है? मुझे अपनी तारीफ अपने मुंह से करना अच्छा नहीं लगता। ओए डीजे। ये क्या है? ये इंट्रो था जैसे मंत्र उच्चारण कर रहे हो। डीजे थोड़ा बिल्डअप दो बेबी, थोड़ा एलिवेशन दो, इसे कहते हैं इंट्रो। भाइयों और बहनों, प्रेजेंटिंग द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर डीजे। डीजे अब होगा एंटरटेनमेंट शुरू। अब ये डीजे कौन है? रीमिक्स गाने बजाने वाला डीजे नहीं, तुम्हारी बैंड बजाने वाला डीजे हूं। फर्स्ट टाइम देख रहा हूं तुझे, तेरी पर्सनालिटी, तेरे नाम से। फर्स्ट टाइम देखने के बाद कोई जिंदा रहता ही नहीं, दोबारा मिलने का चांस ही नहीं देता मैं। तेरे जैसे 2 कौड़ी के क्रिमिनल में इतना एटीट्यूड है तो मुझ जैसे जस्टिस के पुजारी में कितना एटीट्यूड होगा? हाँ भाई आप बोलो ना, इसको उड़ा देता हूँ। लिमिट में रह,
जब हीरो और विलन बात कर रहे हैं तो साइड आर्टिस्ट का क्या काम? तुझे तो जितना पगार है उतना ही बोल। अब असली मुद्दे की बात करता हूँ, शटर डाउन, कल से दुकान क्लोज करनी है। अरे लेकिन हमारा दुकान क्लोज कैसे होगा? ये भी डफर है। ए, ये गवर्नमेंट का आदमी रिश्वत लेने आया है ना? चल भिखारी की तरह पैर पकड़, मोड़ बना तो दे भी दूंगा। लो अब इधर भिखारी कौन है? अरे यही तो हमारे देश का प्रॉब्लम है, इशारों इशारों में जो कह रहा हूँ वो कोई समझ नहीं पा रहा है। तुम्हें मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आई और ये बॉडी लैंग्वेज नहीं समझ रहा है। अब समझने समझाने का वक्त खत्म हो गया। दुकान क्लोज, उसका मतलब यही है। नहीं समझा तू? नहीं समझा ना? तुझे समझाता हूँ। छोड़ दो मुझे। तेरे गिड़गिड़ाने को भीख मांगना कहते हैं।